नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कल्पतरु एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जो गणित विषय है उसका प्रकरण 6, उसमें जो प्रमेय है प्रमेय 6.1, जिसको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करने से पहले जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाजू में जो बेल आइकन हाईलाइट हुआ है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन अनेबल कर दो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम तो प्रमेय पूछा कैसे जाता है, तो यहाँ तीन तरीके हैं। पहला है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ये शब्द का इस्तेमाल करके आपको पूछ सकते हैं कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। दूसरा है, इसको हम थेल्स के प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, तो आपको डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि थेल्स का प्रमेय किसे कहते हैं, लिख करके सिद्ध कीजिए। और तीसरा तो इसकी प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी दोनों भुजाएं जो है वो उस बिंदु के द्वारा समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो नौवीं कक्षा में आपने जो यूक्लिड की भूमिति सीखी उसके आधार पर प्रमेय जो होता है वो प्रमेय के चार अंग है। पहला है उसकी प्रतिज्ञा जो आपको यहाँ दी है, दूसरा होता है पक्ष, जो हमारा पुराना सिलेबस था उसके अंदर इस प्रकार से फॉर्मेट दिया था कि पक्ष आता था, उसके बाद साध्य आता था यानी जो हमें साबित करना है, उसके बाद उपपत्ति आती थी और आकृति आती थी। लेकिन ये जो फॉर्मेट है एनसीईआरटी का, तो उसमें आपको जो प्रमेय की प्रतिज्ञा है वो दी है और उसके आधार पर सीधी उपपत्ति, लेकिन उपपत्ति की शुरुआत के जो दो तीन वाक्य आएंगे वो आपके पक्ष और साध्य है। तो सबसे पहले तो आकृति के आधार पर हम जो प्रतिज्ञा है उनको समझते हैं कि किसी त्रिभुज, तो आपको यहाँ कोई एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है जो आकृति में आपको दिख रहा है, उसके साथ किसी एक भुजा के समांतर, तो हम यहाँ बीसी भुजा के समांतर, नीचे आप देख सकते हो बीसी, उसके समांतर हो एसीडीई रेखा खींचते हैं जो बाकी की दो भुजा, तो बाकी की दो भुजा एबी और एसी, उसे डी बिंदु और ई बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, जिससे एबी भुजा दो हिस्सों में एडी और डीबी में बट जाती है, एसी भुजा दो हिस्से एई और ईसी में बट जाती है। तो ये चीजें आपको दी गई है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो जो दो दो भुजाएं हमें मिली है एडी और डीबी तथा एई और ईसी, इसका जो अनुपात है वो समान मिलता है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम जो यूक्लिड की भूमिति के अंदर पूर्वधारणा वगैरह दी है उनका इस्तेमाल करते हैं कि जो दो बिंदु होते हैं, कोई भी दो बिंदु यदि एक समतल में होते हैं तो वो समरेख होते हैं। कैसे होते हैं समरेख, मान लो मैं यहाँ एक बिंदु लेता हूँ, दूसरा बिंदु यहाँ पर लेता हूँ, तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली एक समान रेखा मुझे मिलेगी, यानी इन दोनों बिंदुओं को मैं समांतर बिंदु के नाम से पहचान सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास दो बिंदु B और E है, तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड BE वो मुझे प्राप्त होता है। दूसरा है C और D बिंदु, तो उसी तरह C और D को जोड़ने पर CD प्राप्त होता है। दूसरा कि एक पूर्वधारणा ये भी कहती है कि समान जो हमारी रेखा होती है उसके बाहर कोई बिंदु दिया जाए तो उसमें से उस रेखा के ऊपर लंब हो ऐसा एक रेखाखंड हमें जरूर प्राप्त होता है। तो हम D में से ए ई के ऊपर लंब बनाते हैं तो वो बनता है DM। उसी प्रकार दूसरा E में से हम बनाते हैं AD के ऊपर EN। तो इस तरह हम DM लंब AC और EN लंब AB वो खींचते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका सूत्र आपको पता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कई बार ऊंचाई की जगह पर लंब यानी वेध ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी होता है। तो आधार मतलब क्या, तो जिसके ऊपर हम
लंब को खींचने वाले है वो आधार बनता है, और ऊंचाई मतलब जो हमने लंब खींचा है वो ऊंचाई बनती है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब यहाँ ध्यान से देखो आकृति में, तो ये आपका त्रिभुज ADE है, इसका क्षेत्रफल तो हम उसको उसके अनुपात जो है उनमें लेते हैं, तो वन ऑफ AD गुणा EN त्रिभुज को हम अलग कर लेते हैं, तो इस तरह हमारा त्रिभुज ADN बनता है, और EN यहाँ आएगा ई में से एन हमने लंब खींचा है, तो आधार बना एडी, लंब हो गया EN, तो हमारा क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 AD गुणा EN। लेकिन त्रिभुज ABC अथवा त्रिभुज ADE उसका क्षेत्रफल ऐसे पूरा लिखने से अच्छा है कि हम शॉर्ट में ADE लिख दे, तो इसका अर्थ भी क्या होता है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, आगे आपको त्रिभुज इस्तेमाल करना नहीं है। तो अतः यहाँ लिख सकते हैं कि ADE बराबर 1/2 AD गुणा EN, 1/2 AD गुणा EN। सेम उसी तरह दूसरा त्रिभुज हमें मिलता है BDE, ध्यान से देखो, तो यह रहा हमारा BDE, इसकी बात कर रहे हैं, तो हम इसे अलग कर लेते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार बनता है, यहाँ आएगा आपका D, यहाँ पर B और ऊपर आएगा E में से लंब खींचा गया N, लेकिन DB जो है वो छोटी पड़ जाती है, तो हम उसको ऐसे खींच सकते हैं, तो ये DB पर ही आधार बना, DB ही इसका आधार बना है, ऐसा आप कह सकते हो। तो सूत्र बनता है 1/2 DB गुणा EN। इसी तरह दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं, पुनः ADE लेते हैं, तो फिर से ADE को अलग कर लेते हैं, ये रहा हमारा ADE, लेकिन इस बार हम E के बजाय D में से लंब खींचते हैं और वो बनता है DM, तो सूत्र बनता है ADE बराबर AE/DM, AE आधार है, DM इसका लंब है, जबकि दूसरा त्रिभुज नीचे वाला CED त्रिभुज अथवा DEC त्रिभुज, तो इसको हम अलग कर लेते हैं कुछ इस प्रकार, तो यहाँ पर EC ऊपर D आएगा, वहाँ से लंब M बनेगा, तो ये हमारा दूसरा त्रिभुज बनता है DEC = 1/EC/DM। अब ADE और BDE जो हमने आगे लिए थे उनका जो सूत्र हमें मिला है उसका अनुपात ले लेते हैं, तो यहाँ पर वन ऑफ कैंसिल हो जाता है, EN कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है AD/DB, इसे कहेंगे नंबर एक, ये परिणाम हमारा बनेगा नंबर एक। इसी तरह ADE और DEC इसका हम अनुपात ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी वन ऑफ कैंसिल हो जाता है और DM कैंसिल हो जाता है क्योंकि दोनों में वो कॉमन है, तो बनता है क्या AE/EC। अब ध्यान से देखो, तो हमें जो सिद्ध करना था AD/DB = AE/EC, ये दोनों हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन समीकरण की राइट साइड को समान दिखाना हो तो दोनों की लेफ्ट साइड भी आपको समान दिखानी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, तो ऊपर वाला जो है अंश ADE सेम है, लेकिन हर में BDE और DEC है, तो हमें वो दोनों त्रिभुज समान है ऐसा साबित करना पड़ेगा। तो ऐसा साबित कैसे कर सकते हैं, तो पुनः नवी कक्षा का हम आधार लेते हैं, वहां पर हमें एक कथन कहा गया था कि दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर बनाए गए दो त्रिभुज, एक ही आधार का मतलब क्या है, तो ये आधार एक ही है, तो इस पर से बनाया गया दो त्रिभुज, हम कलर अलग ले लेते हैं ताकि आपको पता चले, ये पहला त्रिभुज बना और नीला वाला जो त्रिभुज है वो दूसरा, तो दोनों का आधार एक ही है, लेकिन दोनों के जो ऊपर के अंत्य बिंदु है वो कैसे है अलग अलग, तो हम इसे नाम दे देते हैं फिलहाल ABC और ADC। तो आपके जो दो त्रिभुज ABC बने हैं और ADC बना है, दोनों समान क्षेत्रफल वाले होते हैं, कैसे होते हैं, समान क्षेत्रफल वाले, तो उसे समक्षेत्री कहते हैं। तो इसका हम यहाँ लागू करें, परिणाम को उपयोग करें, तो हमारे दो त्रिभुज BDE और DEC ये दोनों DE आधार पर बने हुए हैं और BC उसके समांतर रेखा है, तो उसमें उसके बीच में B और C दो अंत्य बिंदु हमें प्राप्त होते हैं और आधार बनता है हमारा DE, तो BDE
और DEC, इस प्रकार से दो त्रिभुज मिलते हैं और दोनों का क्षेत्रफल समान होता है। कैसा होता है? समान। तो इसके आधार पर हम जो परिणाम एक दो है और तीसरा परिणाम, तीनों का उपयोग करके लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये आपका प्रमेय साबित हो जाता है। तो प्रमेय साबित करने के लिए आपको पुरानी जो पूर्वधारणाएं हैं और जो समीकरण आप सीखकर आए हो, उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना है और स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली जाते हुए जो आपको सिद्ध करना है वो आप हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये प्रमेय पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पाइथागोरस का प्रमेय है उनका सीखेंगे, किस प्रकार से उसे साबित करना है, उसके बाद उसका प्रति प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय और उसका प्रति प्रमेय दोनों हमारे लिए बहुत ही मोस्ट IMP प्रमेय है। तो जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि उन वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिले।